हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, काफ़ी समय से जो है अपना जो टेक्निकल वाला पार्ट था उसकी वीडियोस नहीं आ पाई हैं। सब्जेक्ट जो हमारे चल रहे थे लाइक हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और इसके अलावा सॉइल भी चल रहा था, वो पोर्शन भी रुका हुआ है थोड़ा। और इसके अलावा जो हमारी AEJEE की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, थोड़ा वो पोर्शन भी रुका हुआ है। ठीक है, इस बीच कई लोगों ने मुझे मैसेज किए, कई स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल मैसेज किए, कई ने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस किया, कई ने मुझे कॉल भी किए कि भाई कब स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक दो बार बीच में स्टार्ट करना भी चाहा, लेकिन कुछ कारण थे, उनकी वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, कुछ मेरे निजी कारण भी थे। ठीक है, तो देखिए, अब सारे कारण जो हैं वो भगवान की दया से ख़त्म हो गए हैं और हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और एक बात मैं बता दूं, अब जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट हमारा, दैट इज स्टील स्ट्रक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, छोटा सब्जेक्ट भी है, इसलिए भी आपको बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई स्टील स्ट्रक्चर का वेटेज कितना है, ठीक है, कि किस किस तरह के एग्जाम में कितना कितना वेटेज इसका जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं GATE ESE की बात करूं, जो दो मेजर एग्जाम है अपने सिविल इंजीनियरिंग के, GATE ESE, तो गेट में लगभग 4 से 6 नंबर का स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली बात है, किसी पर्टिकुलर साल में, किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, लेकिन ये एक जनरल एवरेज है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ESE प्रीलिम्स की बात करूँ, तो लगभग 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन स्टील स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टेट AEJEE की या किसी भी सेंटर के AEJEE एग्जाम की, तो देखिए लगभग 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, या आप ऐसा मान सकते हो कि 7-8% वेटेज जो होता है वो स्टील का होता है। ठीक है, देखो एक पर्टिकुलर वे है क्वेश्चंस का, लाइक जो GATE ESE के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ESE में, वो थोड़े से न्यूमेरिक टाइप के होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स में कैल्सी अलाउड होता है, आप सभी को पता होगा, लेकिन AEJEE के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे कैल्सी अलाउड होता नहीं है जनरली। अब कैल्सी अलाउड नहीं होता तो वहां पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बड़े पूछने से रहा। ठीक है, तो जनरली फिक्स डेटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि भाई किसी भी AEJEE एग्जाम्स के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड होते हैं वो बहुत जरूरी है, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो कोड का सब्जेक्ट है अपने RCC, बिल्डिंग डिजाइन भी है और स्टील स्ट्रक्चर भी है, इसलिए भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोडल प्रोविजन किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन भी वहां से आते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई एक बेसिक की, भाई कितना परसेंट वेटेज इसका होता है अप्रोक्स है ये। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए ये जो लेक्चर है हमारा थोड़ा छोटा होने वाला है, और इसमें आपको मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कि भाई स्टील क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्यों हम इसे यूज करते हैं आज के टाइम में। ठीक है ना, तो इनसे हालांकि क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये जो सेशन है आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे बातें आएंगी जो आपको शायद नहीं पता होंगी। ठीक है ना, तो थोड़ा छोटा सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हम वो चीजें स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें हम जनरली सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई क्या है सब्जेक्ट, क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सिलेबस क्या है इस सब्जेक्ट का, सिलेबस क्या है। तो देखिए स्टील स्ट्रक्चर का अगर मैं सिलेबस डिस्कस करूं, तो पहला हो गया इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ बातें आ जाएंगी स्टील स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ चीजें आ जाएंगी लाइक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में कवर होंगी। ठीक है, कोड्स रिगार्डिंग कौन कौन से हैं सारी चीजें। दूसरा अपने पास टॉपिक आता है कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन जनरली 3 टाइप के होते हैं, वेल्डेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, सारे हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, थर्ड टॉपिक आ जाएगा आपके पास टेंशन मेंबर, और फोर्थ आ जाएगा इसी में आपका कंप्रेशन मेंबर। ठीक है ना, फिर आपके पास आएंगे बीम, फिर आपके पास आएगा गर्डर। ठीक है ना, एक और टॉपिक है स्टील का, That is plastic analysis. ठीक है ना, प्लास्टिक एनालिसिस जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वेटेज होता है इसका एग्जाम में, गेट और ESE में। ठीक है ना, लेकिन
JEE की तैयारी करने वालों के लिए अच्छी बात यह है कि लगभग आप ऐसा मान सकते हो लगभग 80-90% जो एग्जाम्स होते हैं AEJEE के उनके सिलेबस में प्लास्टिक एनालिसिस नहीं होता। तो आप ऐसा मान सकते हो कि भाई जो JEE के एग्जाम्स में प्लास्टिक एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आते, जनरली ये सिलेबस में नहीं होता, ये GATE SE में होता है। ठीक है, देखें, और एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं, देखो एक बार जब वीडियो बन जाती है, एक बार जब सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो एक प्रॉपर वे में चलता है। लाइक AEJEE के लिए अपन बात कर रहे हैं या GATE SE के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, थ्योरी दोनों की सेम है, सब्जेक्ट सेम है, थ्योरी उन दोनों की सेम है, बस फर्क क्या है, एक तो आ जाता है कि भाई ये टॉपिक GATE SE में है, AEJEE में नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है इनके क्वेश्चंस की, थ्योरी सेम, क्वेश्चन थोड़े से अलग, GATE SE में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, AEJEE में थोड़े हल्के लेवल के क्वेश्चन न्यूमेरिक। तो देखिए जो सब्जेक्ट हमारे हो चुके हैं लाइक इरिगेशन हाइड्रोलॉजी जो हमने पढ़ा, तो मुझे कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर GATE SE के क्वेश्चन भी कराओ। ठीक है ना, तो अब हम जो सब्जेक्ट करेंगे उसमें हम GATE SE के क्वेश्चन भी साथ में करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के। ठीक है, या ऐसा टॉपिक जो GATE SE में है AEJEE में नहीं है, हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं टॉपिक से पहले आपको ये क्लियरिफाई कर दूंगा कि भाई ये जो है ये ओनली GATE SE के लिए है, AEJEE के लिए नहीं है। ठीक है ना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी करने वाले हम सब हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, GATE SE के सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे और मैं क्लियरली बता दूंगा कि ये AEJEE में है और ये AEJEE में नहीं है। ठीक है ना, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर रहे। तो ये हो गया सिलेबस अपना। ठीक है ना, हर एक टॉपिक को अपन डिटेल में इसके क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना, और आने वाले चंद दिनों में जो अपनी क्वेश्चन सीरीज है स्टील स्ट्रक्चर की, वो भी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको हाथों हाथ अंदाजा लगता रहे कि भाई किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का नाम आप यहां पे देख सकते हो स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर। अब जो सबसे पहली बात उठ के आती है कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, ये तो बताओ हमें कि स्ट्रक्चर क्या है। अब कई लोगों को यही नहीं पता होता, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और उनको ये नहीं पता होता कि भाई स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, हालांकि आप बेसिकली बता सकते हो, लेकिन अगर मैं डेफिनेशन पूछ लूं, 100 बच्चों से मैं डेफिनेशन पूछ लूं तो लगभग 50 से ये नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो एक बार समझो कि स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का नॉलेज और सब्जेक्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये एग्जाम्स में नहीं आते लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारी समझ के लिए। तो सबसे पहली बात आएगी कि भाई स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो समझो, आपके पास कई सारे स्ट्रक्चर मेंबर हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास कॉलम है, आपके पास बीम है, आपके पास स्लैब है, आपके पास फाउंडेशन है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर मेंबर आपके पास पड़े हुए हैं, और इस स्ट्रक्चर मेंबर्स को आपस में मैंने क्या कर दिया, असेंबल कर दिया। जैसे मैंने ये दो कॉलम लगाए या फाउंडेशन लगाया, ऊपर एक स्लैब लगा दी, तो ये एक कमरा बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंबर्स की एक असेंबली हो गई। इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंबर्स को मैंने आपस में एक प्रॉपर वे में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, असेंबल कर दिया। और क्यों किया, ताकि जो एक्सटर्नल लोड आ रहे हैं, ताकि जो एक्सटर्नल हमारे पास इफेक्ट आ रहे हैं उनसे क्या कर सके, ये रजिस्ट कर सके हमें। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस असेंबली को क्या बोला जाएगा, स्ट्रक्चर बोला जाएगा। इस असेंबली को क्या बोल देते हैं अपन, स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक बार मैं डेफिनेशन के लिए देख लेता हूं, तो आप लिखें इसमें, स्ट्रक्चर इज अ बॉडी, स्ट्रक्चर इज अ बॉडी कंपोज सेवरल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, कंपोज सेवरल स्ट्रक्चरल एलिमेंट, एलिमेंट्स मीन्स जो अपने बीम कॉलम वगैरह जो बहुत सारे हैं। ठीक है, असेंबल्ड इन अ स्पेसिफिक वे टू रजिस्ट एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये बात हो गई कि भाई इसे बोलते हैं अपन स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट थे, उनको मैंने आपस में असेंबल कर करके जोड़ जोड़ के एक स्ट्रक्चर बना दी, या आप बोल सकते हैं एक असेंबली बना दी,
जो किस काम आ रही है, एक्सटर्नल लोड को रजिस्ट करने के काम आ रही है। तो इसे क्या बोल देंगे अपन, इसे स्ट्रक्चर बोल दिया जाएगा। अब दो वर्ड आपने बहुत सुने होंगे, हो सकता है आप सभी को पता भी हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। दो वर्ड होते हैं जनरली जो आरसीसी में और स्टील में काम आते हैं, एक होती है आपके पास स्ट्रक्चरल डिजाइन और एक होती है आपके पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, इसको भी एक बार देखते हैं अपन। देखो स्ट्रक्चर डिजाइन, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो डिजाइन का मतलब आप सभी जानते हैं कि डिजाइन का मतलब क्या है, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाना, ठीक है। आप जस्ट एक एग्जांपल लो कि आपके पास एक 1000 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है, और इस लोड को आपको ट्रांसफर करना है। आप ऐसा माने कि इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए मुझे एक कॉलम बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस लोड को लूंगा पहले, और जो भी मेरे पास पर्टिकुलर मेथड है, मेरे पास पर्टिकुलर सिस्टम है, उस मेथड के हिसाब से क्या करूंगा, मैं एक कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। इस कॉलम में कितना मटेरियल लगेगा, इसमें कौन से ग्रेड की सीमेंट लगेगी, या अपन स्टील का बना रहे हैं तो कितना स्टील लगेगा, क्या इसकी डायमेंशन होंगी, ठीक है ना। वो सारी बात क्या आ गई आपके पास डिजाइन में आ गई, ये सारी बात क्या आ गई आपके पास डिजाइन में आ गई, ठीक है ना। आप सभी समझते होंगे डिजाइन को, जैसे कि भाई एक ब्रिज बनाना हुआ, ब्रिज की हमने पूरी की पूरी कैपेसिटी निकाली, उसके पीसीयू निकाले, ठीक है, उसकी लेन वगैरह फाइंड आउट करी, और उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम, उसमें पता लगा रहे हैं कि इसके लिए कितने कॉलम बनेंगे, कितने पियर्स बनेंगे, किस तरह का फाउंडेशन इसका होगा, उनकी डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं। वो सारा की सारा काम क्या हो गया अपना, डिजाइन का काम हो गया, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरी बात आ जाती है आपके पास एनालिसिस की, भाई एनालिसिस क्या है। तो एनालिसिस का मगर अगर मैं अर्थ समझूं, तो आप ऐसा मानो कि आपके पास एक कॉलम है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन कॉलम का। ये आपके पास क्या है, एक कोई कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम पे बहुत सारे लोड आ रहे हैं, मैं एक कंपोजिशन मान लेता हूं उनका कि इस कॉलम पे 1000 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भाई इस 1000 किलो न्यूटन के लोड से इस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, ठीक है, कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो रही है, शियर आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, या कोई और तरह का स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इस लोड को रजिस्ट करने में कैपेबल है या नहीं है, ठीक है ना, सारी बात पता करते हैं हम। तो ये जो काम आता है ये किस में आ जाता है, आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा मेजर डिफरेंस हो गया कि भाई डिजाइन का मतलब तो क्या हो गया कि हमें लोड दिया हुआ है और हमें स्ट्रक्चर की डायमेंशन वगैरह फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एनालिसिस में क्या हो गया कि हमें स्ट्रक्चर दी हुई है, उस स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल लोड के रेस्पेक्ट में हमें बिहेवियर देखना है, ठीक है, कि किस तरह के स्ट्रेसेस में आ रही है, इसको रजिस्ट करने में ये कैपेबल है या नहीं है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे पास स्ट्रक्चर डिजाइन और स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। तो आपको होप स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी क्या होती है, ठीक है। ये भले ही एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये चीजें बहुत आवश्यक है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर हो गई। अब दूसरा वर्ड हमें मिल रहा है सब्जेक्ट में, स्टील। अब स्टील क्या है इसको भी देखते हैं, स्टील क्या है इसे भी हम समझते हैं, ठीक है ना। स्टील देखो, कई लोग समझते होंगे कि स्टील क्या है, एक मटेरियल है, लेकिन स्टील एक मटेरियल नहीं है। स्टील क्या है, एक अलॉय है। अलॉय मतलब मिश्र धातु, मतलब दो या तीन या दो से ज्यादा या दो मटेरियल्स को मिला के हमने एक मिश्र धातु या अलॉय बना रखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपली बात करूं कि स्टील क्या है, तो स्टील अलॉय है किसका, अलॉय ऑफ आयरन। कि भाई जो आयरन होता है उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा मिनरल्स मिला के, या आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा मटेरियल मिला के एक मिश्र धातु बना देते हैं, एक अलॉय बना देते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सी मटेरियल मिलाया जाता है, तो सबसे कॉमन जो है वो है आपका कार्बन। सबसे जो कॉमन है वो क्या है, आपका कार्बन है, ठीक है। दूसरी बात आती है क्यों मिलाया जाता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई कि भाई क्या मिलाया, दूसरी बात आई कि क्यों मिलाया। अब आपको पता है कि भाई जो आयरन होता है, ठीक है, इस आयरन की
एक फिक्स प्रॉपर्टी है, लाइक इसकी एक फिक्स स्ट्रेंथ है, इसकी एक फिक्स ब्रिटलनेस है, इसकी एक फिक्स डक्टिलिटी है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अगर मुझे कहीं स्पेसिफिक यूज लेना पड़ा इसका, जैसे कि मैं इसका एक रेनफोर्समेंट बार बना रहा हूं, तो मुझे उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस आयरन में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कार्बन डाल दूंगा, ठीक है। अब इस कार्बन से क्या होगा कि ये जो आयरन था इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, ठीक है। तो हमें जिस तरह का मटेरियल चाहिए, जिस तरह का स्टील चाहिए, उसके हिसाब से हम जो आयरन की प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर देते हैं, किसको मिला के, कोई भी जो एडिशनल मटेरियल है उसको मिला के, इम्प्योरिटीज इनको जनरली बोल दिया जाता है। जैसे आप ये माने कि भाई मुझे आयरन से रेल बनानी है, रेल मतलब रेलगाड़ी नहीं, जो अपनी पटरियां बिछी होती हैं उनको रेल बोला जाता है। तो मुझे क्या करना है, आयरन से रेल्स बनानी है, तो रेल्स बनाने के लिए क्या किया जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज्यादा इंपैक्ट के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा टफनेस चाहिए, तो उस केस में मैग्नीज मिला देते हैं उससे, ठीक है ना। तो मैग्नीज से क्या होता है कि इसकी जो टफनेस होती है, इंपैक्ट होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये एक बेसिक बात हो गई, हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, जब हम स्टील के टाइप्स पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि भाई किस किस तरह के मटेरियल के लिए, किस किस तरह के स्टील के लिए कौन कौन सी इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, हम उन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अपन जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टील भी हो गया अपना, अपना स्ट्रक्चर भी हो गया। अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई बताओ स्टील स्ट्रक्चर क्या है, तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि कोई भी स्ट्रक्चर जो स्टील की बनी हुई है, कोई भी स्ट्रक्चर जो स्टील की बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, स्टील स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, ये बात हो गई। अब एक नया किस्सा सामने आता है, देखो भाई स्टील एक बहुत ज्यादा पुराना मटेरियल भी नहीं है, मतलब बहुत साल पहले इसकी खोज नहीं हुई थी, आज से लगभग 200 250 300 साल पहले इसको पाया गया था, बनाया गया था, ठीक है। तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, भाई स्ट्रक्चर तो पहले भी बनती थी, स्ट्रक्चर तो पहले भी बनती थी, आज से 2000 साल पहले की स्ट्रक्चर मौजूद है, मजबूत भी है, ठीक है ना। जैसे कि भाई पत्थर से स्ट्रक्चर बनती थी, ईंटों से हम बना लेते थे, ठीक है, आजकल कंक्रीट से भी बना लेते हैं। अब बात यह है कि भाई स्टील स्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत थी, और जबकि आपको पता है कि स्टील तो महंगा भी है, ठीक है, जबकि हम अगर पत्थर से ईंट से मकान बनाए तो सस्ता पड़ता है, तो स्टील स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं इसके एडवांटेज से, इसको समझते हैं हम इसके एडवांटेज से, तो आप लिख सकते हो एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके चार पांच एडवांटेज हैं, उनको हम समझते हैं, ठीक है ना। तो पहला एडवांटेज हो जाता है इसका हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, या बोल सकते हो आप पर यूनिट एरिया, जो भी आप बोलना चाहो, कि भाई जो स्टील है उसका जो स्ट्रेंथ पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखो सिंपल सी केस लेते हैं अपन, अपने पास एक लोड है 1000 किलो न्यूटन का, एक 1000 किलो न्यूटन का लोड है, और इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो मैं दो मटेरियल का कॉलम बना रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग केस ले रहे हैं अपन। पहले मैंने बनाया एक आरसीसी का कॉलम, ठीक है, और दूसरा मैंने बनाया एक स्टील का कॉलम, क्लियर। अब देखें, अगर मैं आरसीसी का कॉलम बनाता हूँ तो मेरे पास इस तरह का एक कॉलम बनेगा, इसकी जो क्रॉस सेक्शन साइज है, इसका जो एरिया है, इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो आपको पता है कि स्ट्रेस जो होती है वो होती है आपका लोड बाय एरिया, लोड बाय एरिया। अगर मैं एरिया यहां से फाइंड आउट करना चाहूं तो वो हो जाएगा आपका, क्या बोल सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे, मतलब लोड बाय स्ट्रेस, लोड बाय स्ट्रेस। अब आप सभी को पता है कि भाई जो स्टील की परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि आरसीसी की जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा है, मतलब अगर परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रेस रेजिस्ट कर सकता है, तो हमें एरिया कम मिलेगा। अगर स्ट्रेस की वैल्यू कम है, मतलब उसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो कम है, तो हमें ज्यादा एरिया प्रोवाइड करवाना पड़ेगा।
सिंपल फंडा ये है। तो अगर मैं आरसीसी का कॉलम बनाऊंगा, मुझे पता है आरसीसी की जो परमिसिबल स्ट्रेस है, जो रजिस्टिंग कैपेसिटी है, वो स्टील के कंपैरिजन में कम है, तो मुझे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं स्टील का कॉलम बनाता हूँ तो मुझे कम क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक दैट, क्लियर ना। तो आप ये समझ सकते हो कि भाई सेम लोड को ट्रांसफर करने के लिए मुझे किसी और मटेरियल का ज्यादा एरिया प्रोवाइड करना पड़ता है, जबकि स्टील का कम एरिया प्रोवाइड करके भी हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया भाई, अगर आपके पास जगह की कमी है, देखो आजकल वैसे भी महंगाई बढ़ रही है, दिल्ली जैसे में आप मकान बना रहे हो, आपके पास थोड़ी सी जगह है, ठीक है, अगर आप वहां आरसीसी के बड़े बड़े कॉलम खड़े करवा दोगे तो क्या होगा, जगह कम हो जाएगी, ठीक है ना, सर्कुलेशन एरिया जो है आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी की जगह स्टील का मेंबर प्रोवाइड करवा दो तो बहुत कम जगह में बन जाएगा, बहुत कम जगह में बनेगा, मतलब आपके पास जो सर्कुलेटिंग एरिया है, फ्री एरिया है, वो ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक इसका बहुत अच्छा एडवांटेज माना जाता है, ठीक है। दूसरा जो इसका मेन एडवांटेज है वो होता है कि भाई स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल है। लिखते हैं इस बात को अपन, स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, सो फेलियर इज नॉट सडन। तो इसमें सडन फेलियर नहीं होता। अब इस बात को समझते हैं, देखो एक बार देख लेते हैं हल्का सा इसके बारे में। जो अपने पास मटेरियल होते हैं उन्हें जनरली अपन दो तरीके से क्लासिफाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होता है डक्टाइल मटेरियल और एक होता है अपने पास ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। डक्टाइल मतलब फेलियर से पहले डिफॉर्मेशन लेगा, ब्रिटल मतलब फेलियर से पहले डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक कंडीशन लो कि भाई मैंने क्या किया, मेरे मकान में कंक्रीट की एक छत प्रोवाइड करवा दी, कंक्रीट की है, इसमें आरसीसी नहीं लगी हुई है, आरसीसी नहीं है, ठीक है, ये कंक्रीट की छत है। अब कंक्रीट का आपको पता है कि भाई ये जो मटेरियल है ये ब्रिटल मटेरियल है। अब ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी लाइफ आती जाएगी, खत्म होती जाएगी इसकी यूजफुल लाइफ, क्या होगा, धीरे धीरे इसके गिरने के चांस बन जाएंगे, ठीक है। आज से लगभग 50-60 साल बाद क्या होगा कि धीरे धीरे छत के गिरने के चांस बन जाएंगे। अब चूंकि ये एक ब्रिटल मटेरियल है, तो इसमें फेलियर से पहले कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, मतलब जैसी शुरू में छत थी वैसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई हमें इंडिकेशन ही नहीं आएगा कि ये फेल होने वाली है, ठीक है। और अचानक हुआ क्या, आप नीचे बैठे हो और धड़ाम से छत गिर गई, तो राम नाम सत्य, ठीक है ना। तो इस तरह के जो फेलियर होते हैं वो हैजार्डियस होते हैं, जान माल की हानि हो जाती है, तो हम इस तरह के फेलियर्स को अवॉइड करते हैं। और इसी तरह के फेलियर को अवॉइड करने के लिए कंक्रीट में आरसीसी के बार्स डाले जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि उनके और भी फायदे हैं, वो आप आरसीसी में पढ़ोगे। तो ये हो गया हमारे पास ब्रिटल, और आप बोल सकते हैं उसको कि भाई इस तरह के मटेरियल में होने वाला फेलियर ब्रिटल फेलियर। जबकि दूसरी साइड में हमारे पास है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल का क्या है कि भाई जब ये फेल होगा तो इसमें प्रॉपर डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है ना। जैसे आपने गर्डर वगैरह देखी होंगी, घर में लगी होती हैं, पहले चलती थी, तो उनमें क्या होता है जब ये फेल होने को आती हैं तो ये झुक जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। जैसे आप अगर आरसीसी की स्लैब की बात करो, लेंटर आपके घर पे डला हुआ है, तो अगर वो फेल होने पे आएगा तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, छत जो है वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी, झुक जाएगी, और आपको आसानी से पता लग जाएगा कि भाई ये छत जो है वो झुकने लग गई, इसका मतलब क्या है कि ये अब कभी भी फेल हो सकती है। तो आप क्या करोगे, घर से बाहर चले जाओगे, दूसरी जगह मकान बना लोगे या दूसरी छत डलवा लोगे, तो जान माल की हानि से अपन बच जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सभी स्ट्रक्चर जो है हमारी उनमें डक्टाइल फेलियर हो, और स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है तो इसमें डक्टाइल फेलियर होता है, मतलब सडन फेलियर नहीं होता, तो ये भी एक बेनिफिशियल सौदा हो गया अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, दैट इज कि भाई इसका जो लाइफ स्पान है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब देखो दो चीजें होती हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज समय के साथ चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कंक्रीट का,
तो कंक्रीट का आपको पता है कि लगभग साल डेढ़ साल तक वो स्ट्रेंथ को गेन करती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कारण जैसे क्रीप हो गया और भी कुछ कारण हो गए, टेम्परेचर स्ट्रेस हो गई, उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और वो कुछ समय के बाद फेल हो जाती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कॉन्क्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो समय के साथ चेंज हो रही हैं, अब चाहे बढ़ रही हो घट रही हो कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। जबकि जो स्टील है, स्टील की प्रॉपर्टीज समय के साथ चेंज नहीं होती, होता है तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है जिसको हम नहीं मानते, ठीक है ना। दैट मींस अगर स्टील की स्ट्रेंथ अभी 1000 किलो न्यूटन है तो वो आने वाले समय में भी 1000 ही रहेगी, ठीक है ना, 998 हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। दैट मींस उसकी प्रॉपर्टीज समय के साथ चेंज नहीं हो रही, इसलिए उसका लाइफ स्पान जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये भी एक फायदा हो गया। चौथा फायदा अगर हम देखें तो क्या है कि इसका जो इरेक्शन वगैरह है वो बहुत आसान होता है, इरेक्शन वगैरह जो है वो बहुत आसान होता है। इरेक्शन का मतलब भाई, एक अगर आप स्टील का बना हुआ स्ट्रक्चर को वापस खत्म करना चाहते हो, उसको तोड़ना फोड़ना चाहते हो, तो क्या करोगे, सिंपल नट बोल्ट को खोलो और अलग अलग कर दो मेंबर को, ठीक है ना, तो इरेक्शन आसान हो गया। अगर मैं एक आरसीसी की या स्टोन या ब्रिक की स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहता हूँ, डिमोलिश करना चाहता हूँ, तो जेसीबी मंगानी पड़ेगी, ठीक है ना, और उसको उठवाने का भाड़ा भी देना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इसके फेवर में हो गई, किसके, स्टील स्ट्रक्चर के फेवर में। नेक्स्ट कि भाई यहाँ पे जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है या आप बोल सकते हो सेल्वेज वैल्यू है, वो स्टील स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा होती है और मटेरियल के कंपेरिजन में। जैसे कि आप ये मानो कि आपने एक पत्थर से बना हुआ मकान तोड़वाया, तो आपने उसका तोड़वाने का खर्चा किया, बाद में उस मलबे को उठा के ले गए बाहर पटक के ट्रैक्टर में, तो उसका भी खर्चा लगा। लेकिन अगर आप एक स्टील की स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो तो आपको पता है कि भाई कितना ही पुराना स्टील हो, चाहे जंग लग रही हो उसमें, लेकिन फिर भी वो 22-25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बिक जाएगा, तो आपका फायदा यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब जो इसको तोड़ने के बाद जो मलबा निकला उसके भी हमें पैसे मिल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, इसका एक फायदा हो गया, ठीक है ना। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इसकी कैपिटल कॉस्ट, मतलब स्टील स्ट्रक्चर को बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बाकी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है ना। तो ये कुछ एडवांटेज हो गए जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई आज के समय में स्टील स्ट्रक्चर का जो यूज है वो बहुत ज्यादा होने लग गया, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हो गए। तो हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर है कि भाई स्टील स्ट्रक्चर क्या है, स्टील क्या है, वो आपको हल्का हल्का अंदाजा लग गया होगा। क्यों हम स्टील को यूज करते हैं उसका भी आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई, ये हो गया अपना सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। हमने सब्जेक्ट का वेटेज पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो इस वीडियो में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, वहां से हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ स्टील, जो इंट्रोडक्शन है इसका प्रॉपर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है ना। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।